बच्चों करेक्ट ऑप्शन तो में अगर आप देखोगे यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिया गया है, हमें इन ऑर्गन्स, यानी कि ग्लैंड्स को आइडेंटिफाई करना है मेनली सारे ऑप्शंस में हमें तीन ग्लैंड्स दिए गए हैं थाइमस और adrenal, and हमें इन्हें मैच करना है विद द करेक्ट पोजिशन तो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए द पोजिशन या एनाटॉमी भी बोल सकते हैं ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है एंडक्राइन ग्लैंड आर नथिंग बट जो ग्लैंड हैं ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम ये ग्लैंड पूरी बॉडी में पाए जाते हैं और ये वेरियस हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं बॉडी के बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हुआ इंसुलिन हुआ तो ये अलग अलग एट है पोजीशंस ऑफ द डिफरेंट एंडोक्राइन लोजिशन समझने के लिए हम लोग शुरू करेंगे फ्रॉम द क्रेनियल रीजन यानी कि जो हेड का रीजन है वहां पर सबसे पहला वाला हॉर्म ग्लैंड जो है हमें मिलेगा हाइपोथलामस हाइपोथलामिस का पोजीशन है इन द ब्रेन बेस ऑफ द डायनसेफलॉन ठीक है तो दिस इज प्रेजेंट बिलो द थेलैमिस यानी कि थेलैमिस के नीचे तो ये जो फर्स्ट वाला है दिस पार्ट ये है हाइपोथोलामस ठीक है फिर इसके नीचे द सेकेंड ऑर्गन द सेकेंड ग्लैंड दैट वी टेक दिस पार्ट ये है द पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन रहेगा बेस ऑफ द ब्रेन और दिस इज below the hypothalamus. Hypothalamus ke niche. So this is the pituitary gland. Fair. Next, in the cranial region, there is another organ over here, another gland. This is the third one. That will be the पीनियल ग्लैंड पीनियल ग्लैंड कहाँ पर पोजिशन है पार्ट ऑफ़ द फोब्रेन डोरसिलोब्रेन यानी कि पीछे की तरफ यानी कि फोब्रेन के पीछे की तरफ अब आते हैं इन द नेक रीजन नेक रीजन में हमें दो ग्लैंड्स मिलेंगे थायराइड ग्लैंड इसका पोजीशन है एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक जस्ट बिलो लैरिंग्स तो लैरिंग्स के नीचे और फिर फाइव पैराथाइरोड लैंड पैराथाइर लैंड का पोजीशन है बिहाइंड द थारॉइड लैंड यानी कि बैक साइड या हम बोल सकते पोस्टीरियर सर्फिस ऑफ द थरॉयड ग्लैंड तो ये दोनों है नेक रीजन में नेक्स्ट चेस्ट रीज रीजन अपर चेस्ट रीजन यहां पर आएंगे वी विल गेट आर सिक्स ग्लैंड जो कि है थमसमिस चेस्ट रीजन में है अपर चेस्ट बिटवीन द लंग्स और बिहाइंड द स्टर्निम फिर नेक्स्ट आते हैं अपर एब्डोमेन अपर एब्डोमेन में दो ऑर्गेन्स यानी कि दो ग्लैंड्स मिलेंगे नंबर सेवन इज दिस सेवेंथ वन इज द पैनक्रियास पैनक्रियास का लोकेशन रहेगा बिहाइंड द स्टमक और नंबर एट ये एक पैर है एंड अगर आप नोटिस करोगे एट किडनी पे भी जा रहा है तो इससे हमें याद आएगा एड्रेनल ग्लैंड क्यूं क्यूंकि जो एड्रेनल ग्लैंड है ये प्रेजेंट होता है किडनीज के ऊपर वी कैन से टॉप ऑफ द किडनीज या हम कह सकते हैं द एंटीरियर पार्ट दिस इज इन द अपर एब्डोमेन लास्ट लोअर एब्डोमेन में वी आर गोइंग टू हैव ग्लैंड नाइन एंड टेन नाइन वो फीमेल्स में पाया जाता है दिन ओवरीविक दिस इज नाइन एंड टेन ये एपडोम में नहीं रहता दिस विल बी आउटसाइड द एपडोम इन मेल्स जो की है testes outside the abdomen और ये पाया जाता है in a sac like structure called scrotum ठीक है तो let's go to our question question में हमें एक diagram दिया गया था हमें identify करने हैं तीन स की पोजिशन हाइपोथेलामिसमिस और एड्रेनल सबसे पहले हमने देखा हाइपोथलामस हाइपोथलामस हमने पाया कि वो ब्रेन के टॉप मोस्ट रीजन में है सबसे फर्स्ट सो हाइपोथलामस यहाँ ऊपर की तरफ दिस इज ए तो ऑप्शन हाइपोथलामस के लिए रहेगा ए यहाँ पर दिस वन नेक्स्ट है थाइमिस थाइमस हमने देखा ये मिलता है चेस्ट के रीजन में ओवर हियर सो जस्ट बिलो द थायराइड एंड द पैराथायराइड चेस्ट के रीजन में तो चेस्ट का रीजन यहाँ पर है एफ इधर इस तरफ तो थाइमस इज एफ फिर आता है एड्रेनल एड्रेनल याद रखना है किडनीज सो so, किडनीज कहाँ है इन दी अपर दिन नंबर एट यहाँ पर टॉप ऑफ द किडनीज हमारे डायग्राम में देखेंगे सो so ये रहा एच तो एड्रेनल है एच तो इससे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी होप ऑल अंडरस्टूड दिस वेल बेस्ट ऑफ लक